Hello guys, welcome to my channel GJ Biologist Talk. So today we are going to learn what is gram positive and gram negative bacteria. So gram positive bacteria क्या होते हैं और gram negative bacteria क्या होते हैं हमें आज ये पढ़ना है. मुझे बताया आप इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज रहते हो, लेकिन आज यहाँ से पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर हो जाओगे. सो गाइस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं. सो हम एक स्ट्रेन लेते हैं जिसका नाम ही है ग्राम स्ट्रेन लेते हैं और उसकी स्टेनिंग करते हैं इन बैक्टीरिया के ऊपर. स्टेनिंग मींस कलर करना होता है, ऐसा कलर जो निकले ना. तो हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे. हम ग्राम स्टेन लेंगे, यही इस स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन. इस स्टेन को हम लेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे और जो बैक्टीरिया इस स्टेन से स्टेन हो जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा और जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा. फिर से एक बार हम इस स्टेन को लेंगे. ये क्या है, एक कलर होता है और इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगी. हम ये स्टेन लेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे जिनके ऊपर ये स्टेन बहुत अच्छे से चिपक जाएगी. उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे और जिनके ऊपर से ये स्टेन निकल जाएगी उस बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. सो हमें ये क्यों पढ़ना होता है, क्यों हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग करना होता है, इसलिए गाइस, क्योंकि जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरियाज होते हैं. जितनी भी बैक्टीरिया की वजह से सीरियस बीमारी होती है इंसानों में वो सारी ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बीमारी कॉज नहीं होती इतनी, इसीलिए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अलग अलग करते हैं. और ये पता करने का एक मेथड होता है ग्राम स्टेनिंग. और ग्राम स्टेनिंग करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है. सो स्टेन का नाम है ग्राम. से पता लगाते हैं ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है. सो ग्राम स्टेनिंग तीन स्टेप में होती है. तीन स्टेप में हमें पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है. सो इन तीन स्टेप को हम करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर और हम पता लगाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है. तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये तीन स्टेप और कैसे होते हैं. सो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है. सबसे अंदर वाली जो ये लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, उसके बाहर वाली को क्या कहते हैं, उसके बाहर वाली को क्या कहते हैं, मैंने आपको ये बता दिया तो मैं आप सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ. सो गाइज, आपको दिख रहा है कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है. यहाँ पे कुछ डीएनए पड़ा होता है जो कि खुला ही होता है और इस सेल की फर्स्ट जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके ऊपर जो लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं. इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है प्रोकैरियोट्स में, जो कि बैक्टीरियाज होते हैं उनमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स. सो इन तीनों को मिलाकर ही सेल इन्वलप बनती है प्रोकैरियोट्स में. इन तीनों लेयर को मिलाकर सेल इन्वलप बनती है. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझा दिया है. सो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर. सो गाइस, ग्राम स्टेनिंग में ग्लाइकोकैलिक्स का कोई रोल नहीं होता. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इस लेयर का कोई भी रोल नहीं है ग्राम स्टेनिंग में. तो हम इसको मिटा लेंगे.